हमारे साथ जैसा कि आप देख रहे हैं कि मूर्ति बैठे हुए हैं बरेली के जिला अध्यक्ष माननीय भाई भानु प्रताप सिंह जी और हमारे भाई पवन सागर जी हैं और आप जानते ही हैं सभी लोग विक्रम सिंह प्रदेश अध्यक्ष। आज आप बरेली में आए, आपको कैसा महसूस हुआ और कार्यक्रम तो मुझे लगता है सफल रहा है, क्या विचार है आपके, इन लोगों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे और प्रदेश के अन्य जिलों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम में? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज पहली बार क्योंकि हम पूर्वांचल की धरती पर रहने वाले हैं और गुरु गोरक्षनाथ की धरती से आज हमने पश्चिम का दौरा किया और बरेली की सरजमी पर भानु जी के सहयोग सौजन्य से और ये पवन जी हमारे इनके सौजन्य से आज एक बहुत अच्छी और शानदार और एक हेल्दी मीटिंग हुई। क्योंकि आप देख रहे हैं कितनी कपकपाती ठंड है, शीतलहर का प्रकोप है और उस शीतलहर में यदि 100+ अनुदेशक अपने हक और हकूक के लिए आ जाए तो इससे बढ़िया कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है। और आज का जो सफल कार्यक्रम है हम इसके लिए भानु प्रताप सिंह जी को और अपने भाई पवन सागर जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे और बहुत बहुत आभार ज्ञापित करना चाहेंगे कि इतनी ठंडी में इन्होंने अनुदेशकों को 4 से 5 घंटा अनुदेशक उस मीटिंग में रहे और हर एक एक बात पे चर्चा हुई, आगे किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे, पूरे प्रदेश में अनुदेशक एकता को लेकर भी चर्चा हुई कि यही बरेली की सरजमी से अनुदेशक एकता का संदेश पूरे प्रदेश के 75 जनपद में आए और प्रदेश के सारे अनुदेशक वो 25,682 अनुदेशक एक मंच पर आकर एक संदेश देने का कार्य करें। और उत्तर प्रदेश सरकार चूंकि 2023 का जो साल है ये संघर्षों का साल हम लोगों ने घोषित किया है और इस संघर्षों के साल में हम लोग लक्ष्य बना के चले हैं कि 31 दिसंबर 2023 से पहले उत्तर प्रदेश के समस्त अनुदेशक को उनके ही पद पे जब तक नियमित नहीं करा लेंगे हम लोग न चैन से बैठेंगे और न सरकार को चैन से बैठने देंगे। तो आज की जो सफल मीटिंग है उसके लिए हम एक बार फिर से भानु जी को पवन जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। पवन सर, आपने ये इतनी कपाती ठंड में सुनने में आया था 2-3 दिन से आप लोग लगे हुए हैं, कैसे इतनी भीड़ को आपने कैसे इकट्ठा कर लिया, इसका क्या क्या तरीका है आप, क्योंकि ये तो मैसेज अन्य जिलों के लिए जाएगा तो पॉजिटिव हम लोग अध्यक्षकों के लिए, आप इतनी ठंड में इतनी लोगों को महिलाएं बराबर से, जैसा मैं देख रहा था लगातार हमने कवर किया है कि बराबर से हिस्सेदारी भागीदारी जो भागीदारी हिस्सेदारी है महिलाओं पुरुषों की, मुझे लगता है बरेली एक मिसाल है, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपने इसको कैसे विक्रम जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं हमारी बरेली नाथ नगरी में उन्होंने प्रथम बार आगमन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में भानु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि भानु जी की जो मैनेजमेंट है उसके तहत ही लोग जुड़ पाए हैं हम लोगों से और लोगों का हमारी जो मैनेजमेंट है उसके तहत ही लोग आ पाए हैं। हम लोगों ने 8 से 10 दिन पहले से ही बैनर और पोस्ट बना के ग्रुपों में फैला दी थी कि सभी लोगों को आना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पर्सनल भी, मतलब कम से कम 150 से 200 लोगों को पर्सनल भी भेजी थी भानु जी ने, तो सभी ग्रुपों में फैला दी थी और उसी की देन है जो आज 100+ लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। जिला अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने देखा आज कम्युनिकेशन स्किल आपका ज़बरदस्त था और मुझे लगता है अन्य अनुदेशकों को जो कुछ पद लिए बैठे हुए हैं उनको ये सीख लेना चाहिए भाई भानु प्रताप सिंह जी से जो कि बरेली से जिला अध्यक्ष हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा है कि वहाँ पर मैं देख रहा था मैनेजमेंट इतना अच्छे से और बंदा पूरा खड़ा रहा कार्यक्रम में, मैं देख रहा था साइड में और बाद में जाके इनको बोला गया था बैठे होंगे पूरा खड़े होकर उन्होंने कार्यक्रम को, और मैंने देखा कई जगह जिला अध्यक्ष पहले कुर्सियाँ जाते हैं पदाधिकारी होते हैं तो कुर्सियों पर पहले काबिज होने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है ये सही मायने में एकता का जो संदेश है वो सही मायने में जाएगा अनुदेशक चाहे हों या शिक्षा मित्र हों, क्योंकि यहाँ पर बात आती है काम करने की कि सबसे बड़ी बात है हम क्यों इसमें क्यों संगठन बना रहे हैं, संगठन का मतलब बना दिया नेता नहीं है, हम रहेंगे शिक्षक ही, हम रहेंगे अनुदेशक ही, लेकिन अपने भाइयों को इस तरीके से मित्रवत तरीके से कन्वेंस करके उनको एक साथ एक जो माला बनाकर ये पेश कर रहे हैं, नजीर पेश कर रहे हैं अध्यक्ष जी, एक खूबसूरत माला बना रहे हैं इसमें हमारे सारे अलग अलग तरीके के फूल हैं अनुदेशकों के रूप में, तो उस माला बनाने में आपने बहुत अच्छा योगदान दिया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं तो पहले आपके थोड़ा सवाल का जवाब दूंगा कि मोती को पोना कैसा जरूरी है, कि ये मोती थे जिन्हें मुझे पोना, हम बता रहे थे कि 100+ थे हमारे पास मैनेजमेंट, मैंने अभी से नहीं बहुत टाइम से मैं इसी चीज़ में हूँ, डिसिप्लिन इंचार्ज रहता हूँ, कभी टूर्नामेंट या प्रतियोगिता होती है डिसिप्लिन मेरे हाथ में रहता है, 8-9 घंटे की प्रतियोगिता होती है, 12 घंटे भी कभी कभी हो जाते हैं तो खड़े खड़े पूरा मुझे प्रतियोगिता करानी पड़ती है, तो उसी का मेरे को ये बेनिफिट मिला है
और प्लस ये है कि मैं अपने आर्मी जो अपने रनरूट होते हैं उन्हें भी मैं ट्रेनिंग कराता हूँ, तो वहाँ से ही मुझे बहुत डिसिप्लिन मिला है, जो हमारे गुरुजी थे वो साहब।